इस वीडियो में दिल्ली मेट्रो के बारे में हर एक जानकारी दी गई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग पे। तो क्या आप सभी को पता है कि मेरे चैनल का जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो कौन सा है? नहीं पता? ये वाला वीडियो, हाउ टू ट्रैवल इन दिल्ली मेट्रो। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बनाया था करीब एक साल पहले और मैंने सोचा कि अभी जो है इस वीडियो की अभी तो काफ़ी डिमांड होगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ऐसे हैं दिल्ली में कभी कभी नहीं आते हैं या फिर उन लोगों को जो है मेट्रो में ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो के बाद जो है आपको मेट्रो से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप सभी को मेट्रो के बारे में पूरा एक कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है पहुंचाना है अपने घर के सबसे पास वाले मेट्रो स्टेशन पे। देखिए, मैं जो अभी फ़िलहाल पहुंचा हूं, ये केशवपुरम मेट्रो स्टेशन है। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है मैं स्टेट से आया हूं ऊपर। मेट्रो में जो है अंदर एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर आना पड़ेगा और फिर जो है आपको अंदर से वहाँ से एंट्री मिलेगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए तीन चीज़, आपको जो है तीन में से दो चीज़ होनी चाहिए आपके पास। तो जो पहला चीज़ है, या तो आपके पास टोकन होना चाहिए या तो पास होना चाहिए। तो वहाँ पर जो है आगे देख सकते हो आप लोग टिकट्स है, वहाँ आगे उस साइड टोकन मिलता है और वो जो सामने देख रहे हो मशीन, उससे भी जो है आप टोकन ले सकते हो या फिर अपने मेट्रो कार्ड में जो है पैसे भरा सकते हो। मेरे पास जो देख सकते हो आप लोग की मेट्रो कार्ड है, तो मैं जो आज इसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और दोस्तों, जो तीसरी चीज़ है वो है फेस मास्क। आपको फेस मास्क के बिना जो है मेट्रो के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो है दिल्ली में आप देख सकते हो कि कोविड केस कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं, तो इसीलिए जो है ये मास्क जो भी ज़रूरी है, इसके बिना आप सभी को जो है अंदर बैठने नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं भी जो है अपने मेट्रो कार्ड से जो है अंदर में एंट्री करता हूँ। आप सभी को बाहर समझा दिया कि इस प्रकार से आना है और मेट्रो कार्ड या फिर होना चाहिए। यहाँ देखिए लिखा है टुवार्ड्स प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म के लिए आप सभी को ये सब बता देंगे कि कहाँ कहाँ कैसे आना है। अब शुरुआत में जो है चेकिंग होगा, पहले बैग वगैरह सब डालने हैं मशीन में। अब दोस्तों, ये जो सामने मशीन लगा है, इससे जो आप अपने चेक कर सकते हो कार्ड कैसे है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी यहाँ पे अंदर एंटर करोगे तो यहाँ पे आप सभी को जो है पूरा मेट्रो का मैप दिखेगा। ये हर मेट्रो स्टेशन पे होता है, आपको यहाँ से जहाँ भी देख के जाना है, जैसे देख सकते हो कि सारे लाइन के मैप है कि कौन सा येलो लाइन है कौन सा ब्लू लाइन है, सब चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप सभी जो है यहाँ पे इजीली देख के अपना डेस्टिनेशन फिक्स कर सकते हो कि आपको जो है कहाँ पर कैसे जाना है। तो मैंने तो अंदर एंट्री भी कर लिया मेट्रो कार्ड से, और यहाँ पर भी अगर आप सभी को देखना है तो देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी हूँ यहाँ पर केशवपुरम में हूँ, तो जैसे देख सकते हो केशवपुरम यहाँ पे है और मेरे को जाना है ब्लू लाइन में, तो पहले मेरे को चेंज करना पड़ेगा। आगे मैं आप सभी को वीडियो में दिखाऊंगा कि चेंज कैसे करते हैं, वो भी दिखाऊंगा। तो आप सभी बस वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, उधर से ही एंट्री करी थी हमने और अब जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म ऊपर है, यहीं पर जो है मेट्रो आने वाली होगी। और अभी जो है फिलहाल मैंने जानबूझ करके जो है एक मेट्रो छोड़ दी है, क्योंकि मुझे जो है आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना था, इसीलिए जो है दोनों मेट्रो चली गई है। प्लेटफॉर्म था शांत है। दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि जैसे कि उनके प्लेटफॉर्म पर जो मेट्रो है वो मेट्रो कहाँ जाने वाली है, उनको पता कैसे चलेगा? तो इसका भी सोल्यूशन मैं आप सभी को अभी तुरंत बताता हूँ। जैसे कि आप लोग जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आप सभी एक बार ढूंढिएगा कि इस टाइप का आप सभी को एक मैप दिखेगा। तो यहाँ मैप में आप सभी को अच्छे से दिख जाएगा कि आपका जो है मेट्रो कहाँ जाने वाला है। जैसे देखिए, ये है मैप है, यहाँ पर दिखा हुआ है यू आर हेयर। सबसे जैसे तो यू आर हेयर बताएगा आपको केशवपुरम में हो आप, और आपकी जो मेट्रो है वो इस साइड जाने वाली है, यानी कि नेताजी सुभाष पैलेस, पीतमपुरा, रोहिणी वेस्ट, इस साइड जाने वाली है। तो आप एक बार इस टाइप का एक मैप देख लीजिए, यहाँ से आप सभी को बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा कि आपका जो है मेट्रो किस साइड जाने वाला है। जैसे देखते हो मैं अभी रेड लाइन पर हूँ, तो आगे जो है पूरा रेड है और इधर जो है पूरा खाली है, क्योंकि यहाँ से जो है सीधा मेट्रो आ चुकी है। और अभी जो है मैं यहाँ पे केशवपुरम में हूँ और मेट्रो जो है रिठाला तक जाने वाली है, तो रिठाला वाली मेट्रो पे मैं बैठ के अभी जाने वाला हूँ। और अब मैं आप सभी को दिखाऊंगा आगे नेताजी सुभाष पैलेस जो है यहाँ पे चेंज करके दिखाऊंगा पिंक लाइन में। तो यहाँ से पिंक लाइन में जो है मैं अभी मेट्रो को चेंज करने वाला हूँ।
अभी जो है बस 2 मिनट में मेरी मेट्रो आने वाली है और उसके बाद मैं आप सबको दिखाऊंगा कि मेट्रो को चेंज कैसे करते हैं। और काफ़ी लोगों के मन में ये डाउट है, सबसे ज़्यादा डाउट इसी क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं लोग मेरे से क्वेंट में कि मेट्रो इंटरचेंज करते टाइम जो है क्या टोकन हमें 2 बार लेना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेट्रो चेंज करते टाइम आप सभी को जो है टोकन सिर्फ 1 ही बार लेना पड़ता है। जैसे कि मेरे को अभी केशवपुरम में हूँ और मैं जाना है रजौरी गार्डन, तो मुझे पिंक लाइन में चेंज करना पड़ेगा, पर मैं मेट्रो लूँगा, सीधा लूँगा टोकन जो लूँगा सीधा केशवपुरम से लेकर रजौरी गार्डन तक। मेट्रो चेंज करते रहे आप सभी को टोकन 2 बार लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 बार टोकन लेना पड़ता है आपको। और दोस्तों अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेट्रो से रिलेटेड या फिर कुछ और ट्रैवल जर्नीज हमारे चैनल पर अपलोड है तो उन सभी को भी जाकर जरूर दिखेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, आप सभी को कमेंट में पिन कर दूंगा, मेरे इंस्टाग्राम का आईडी AJ लाइफ जोन के नाम से है, यहाँ पर भी आप सभी को डाल दूंगा स्क्रीनशॉट। तो जल्दी जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, और कुछ क्वेरीज है तो आप जाके आप सभी पूछ सकते हो। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके घर के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन कौन सा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो है दोस्तों कुछ क्वेश्चन आते हैं मेट्रो कार से रिलेटेड कि इसको जो हम कैसे बना सकते हैं, तो इसका प्रोसेस बिल्कुल इजी है। आप सभी किसी भी जो है मेट्रो स्टेशन पर जाकर कस्टमर केयर काउंटर से इसको जो है आप सभी बना सकते हो। सिर्फ आपको चार्ज लगेगा 150 से 200 रुपये, फर्स्ट टाइम जो है सिक्योरिटी में कुछ पैसे कटते हैं, तो उसको आप सभी को इजीली बना सकते हो। और टोकन तो आप सभी को हर मेट्रो स्टेशन पर मिल ही जाएगा, या तो आप मशीन से ले लो या तो काउंटर से ले लो। अभी जो आपको जस्ट हमारी मेट्रो आ गई है, चलिए मैं मेट्रो के अंदर बैठता हूँ और आप सभी को दिखाऊंगा उसके बाद मेट्रो कैसे चेंज करते हैं। और दोस्तों मेट्रो कार्ड से रिलेटेड एक और ज़रूरी बात, अगर आप सभी मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल करते हो अपने ट्रैवल के टाइम पे, तो आपको जो है इसमें 10 से 15% तक जो है डिस्काउंट मिलेगा किसी भी मतलब ट्रैवल करने में। जैसे कि अगर कहीं पे 40 रुपये का टोकन मिलता है तो आप सभी को जो है करीब 36 से 37 रुपये लगेंगे, इस टाइप से जो है लगता है मेट्रो कार्ड में। और दूसरा बात जो है आपका टाइम भी जो है बहुत बचता है, ये कार्ड होने से जो है आपको जो है फालतू में टोकन के लिए लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। वैसे दोस्तों इसके आगे जो है ड्राइवर का सीट है, दोस्तों जैसे कि आप सभी देख सकते हो कि मुझे जो है मेट्रो करना है चेंज, तो यहाँ पे आप सभी नीचे में देख सकते हो एरो कि पिंक लाइन के लिए आप सभी को कहाँ जाना पड़ेगा। आप सभी को बस सिंपली जो है मेट्रो पर स्टेशन पर आओगे तो आप सभी को प्लेटफॉर्म पर एरोस दिख जाएंगे, आप सभी को बस उसको ही फॉलो करना है। दोस्तों जिस किसी मेट्रो पर भी इंटरचेंज का सिस्टम होता है वहाँ पर आप सभी को जो है इसी टाइप के फुटप्रिंट्स दिखेंगे। आप सभी को जो है मेट्रो चेंज करते टाइम सिंपली बस इसको जो है फॉलो करना है। जैसे कि मैं अभी रेड लाइन से पिंक लाइन में चेंज कर रहा हूँ, तो जो मैं देख सकते हो आप लोग कि पिंक लाइन के जो है फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहा हूँ। ये फुटप्रिंट्स आपको जो है सीधा ले जाएंगे जहाँ पे आपको पिंक लाइन वाला मेट्रो मिलेगा, वहीं पे ले जाएंगे आप सभी को। तो आप सभी को दिखाता हूँ अभी फॉलो करके। देखिए काफ़ी सारे मेट्रो स्टेशन पर आप सभी को इतना ही लंबा ऐसे ही चलना पड़ता है, जैसे कि नेताजी सुभाष पैलेस हो गया और रजौरी गार्डन हो गया, इन सभी पर जो है काफ़ी चलना पड़ता है मेट्रो को चेंज करने के लिए। तो देखिए दोस्तों फाइनली जो है मैंने वो लाइंस को फॉलो करते करते जो है प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। बस इसके नीचे आप सबको दिखाएगा पिंक लाइन इधर, और ये प्लेटफॉर्म है सेट, तो ये इस टाइप से जो है आप सभी जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया भी कि किस तरह से जो है मेट्रो लाइन को चेंज करना है, तो इसी टाइप से जो है आप सभी कीजिए, आप सभी को कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी जब मैं फिलहाल मेट्रो चेंज करके आ चुका हूँ रजौरी गार्डन, और यहाँ से मुझे फिर से मेट्रो चेंज करना है पिंक लाइन से ब्लू लाइन में। तो मेट्रो चेंज का तो प्रोसेस मैंने आप सभी को समझा दिया, आप सभी अगर ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये देखिए दोस्तों, इधर भी जो है कितना लंबा चलना पड़ता है। बोर्ड पे है वैशाली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, सब कुछ लिखा हुआ है, पर वो शायद आपको ना दिखे क्योंकि वो बफरिंग होने लगता है। ये देखिए यहाँ भी जो है ब्लू लाइन को फॉलो करना है और मेट्रो को इजीली चेंज कर लेना है। चलिए दोस्तों, तो मैं इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का करता हूँ एंड। अगर आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो के बाद भी अगर आप सभी को मेट्रो से रिलेटेड किसी भी टाइप की क्वेरीज है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं जल्द से जल्द जो है आप सभी को जो है रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। पिछली बार जब मैं बनाया था हाउ टू ट्रैवल इन दिल्ली मेट्रो का वीडियो, उस वीडियो पर अभी 50K व्यूज जो है क्रॉस होने वाले हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सभी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। और इस वीडियो पे मैं आप सभी को उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे से प्यार दें। इस वीडियो को जो है 100 लाइक का जो है टारगेट रखते हैं, देखते हैं वो पूरा होता है या नहीं है। आप सभी जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आज के इस ब्लॉग का करता हूँ एंड। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। ठीक है, मैं तो